बॉल बम, बॉल बम। आप भीड़ देख सकते हैं भैया, सामने आपको एक डिस्प्ले बोर्ड दिख रहा है। सलाम नमस्ते, मैं हूँ दिलीप कुमार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने चैनल ट्रेवल विद दिलीप में। अगर आप सुल्तानगंज से अगर आप बस से आते हैं तो बस आपको काफ़ी पीछे छोड़ देगा और वहाँ से आपको पैदल कम से कम 7 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा। तो मैं बाबा धाम पहुँच गया हूँ। आई होप कि आपको सुल्तानगंज का जो हमने ब्लॉग डाला था वो आपको पसंद आया होगा और आज आपको बाबा धाम का पूरा टूर कराने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। आपको बताया कि आप अगर बस से आते हैं तो आपको कहाँ पर बस छोड़ना पड़ेगा और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शिव गंगा के पास में। और जो लोग सुल्तानगंज से आते हैं वो तो मतलब कि जल सुल्तानगंज से ही लेकर के आएंगे, लेकिन अगर आप बाबा धाम में आते हैं और अगर आपको जल चढ़ाना है तो आप जल कहाँ से लेंगे ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग को ये पता नहीं रहता है। जी हाँ, लेकिन अब पानी आप देख सकते हैं किस तरह का, इधर आपको पानी दिख रहा होगा और इधर आप भीड़ देख सकते हैं। मतलब तो कोरोना काल के बाद जो है 2022 में जो सावनी मेला है ये जो है अपने चरम सीमा पर है। जी हाँ, ऐसा ना 21 में देखने को मिला ना 20 में देखने को मिला, लेकिन 22 में आप देख सकते हैं। लेकिन अब जल कहाँ से लेंगे ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सुल्तानगंज से आते हैं तो आपको वहाँ से जल लेकर के आ सकते हैं, लेकिन अगर आप बाई ट्रेन आते हैं जल चसीडी और अगर आपको जल चढ़ाना है तो आप कहाँ से लेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और हम लोग अब बाबा धाम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता आपको बाबा धाम मंदिर के पास लेके जाएगा। दोनों तरफ आप मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो मैंने आपको बताया तो आपको जल जो है यहाँ पर जो मंदिर है आपको बस यहीं पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। जल मुझे पड़ा मात्र 20 रुपये का। जी, और जल लेने के बाद अब हम जा रहे हैं लाइन लगने, लेकिन लाइन लगने से पहले आप यहाँ का मार्केट आप देख लीजिए। हालांकि हमने आपको पीछे दिखाया, यहाँ पर आपको कपड़ा, चूड़ी, प्रसाद ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए हम भी अब लाइन लगते हैं और भोलेनाथ का दर्शन कराते हैं आप सभी को। देख सकते हैं मेरे पीछे भीड़, और ऊपर आप देख सकते हैं पुल जो बना हुआ है उसके ऊपर जो है लाइन लगा हुआ है कंवरिया लोगों का। ये पुल जो है सीधे बाबा मंदिर के पास जाता है। हम भोले बाबा का जल चढ़ाने के लिए लाइन में लग चुके हैं और बाबा धाम आते हैं तो लाइन कोई खास नहीं है, आप देख सकते हैं। पहले की अपेक्षा तो अभी तो काफ़ी कम है, आप देख सकते हैं। पहले लाइन जो है तेज़ी से बढ़ता भी नहीं था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं लाइन जो है काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से लगता है कि 1 से 2 घंटे में मैं भोलेनाथ पर जल अर्पित कर दूंगा। और लाइन आप देख सकते हैं काफ़ी इजीली तरीके से जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है जितना ज़्यादा पहले हुआ करता था, क्योंकि अब व्यवस्था जो है काफ़ी अच्छी हो चुकी है। आप इजली भोले बाबा को जल चढ़ा सकते हैं। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। और लाइन लगते लगते हम लोग उसी पुल पे आ चुके हैं जो पुल मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया था। और यहाँ पर देख सकते हैं व्यवस्था, पंखा लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है और लाइन काफ़ी इजीली तरीके से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये एसी की तरह काम कर रहा है, ठंडा ठंडा यहाँ पर जो है हवा का जो है बौछार किया जा रहा है। और भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं भैया। और नीचे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। ये लाइन जो है दो तरह से लगा हुआ है, एक नीचे लाइन लगा हुआ है और एक इस पुल के ऊपर में लाइन लगा हुआ है। भैया हमने भोलेनाथ को जल अर्पित कर दिया। लाइन काफ़ी लंबा था और भीड़ काफ़ी ज़्यादा था, आप देख सकते हैं आसपास जब कितना ज़्यादा भीड़ मिलेगा। जी हाँ, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे और किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने भाई बहनों का ध्यान रखें और अपने ट्रेवल के छोटे बड़े ब्लॉग में आते रहें। बोल बम।